Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of differential equation, now we are going to talk about matrix exponential function. इस सेक्शन में हम किसी भी वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए फंडामेंटल मैट्रिक्स कैसे जो है वो फाइंड करते हैं वो देखेंगे. इसमें एक केले हैमिल्टन थ्योरम है कि एवरी एन बाई एन कांस्टेंट मैट्रिक्स, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स हो लेकिन उसकी एंट्रीज कांस्टेंट हो तो वो सेटिस्फाई करता है अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन. मसलन ये मैंने एक कांस्टेंट मैट्रिक्स ले ली, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन वो जो जिसके लिए हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जो फाइंड आउट किया करते थे, ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है. तो ये ए जो है ये अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. कैसे? ये लैम्डा जो है इसको आपने क्या करना है, ए से रिप्लेस कर देना. तो ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ ए क्या बन जाएगी, ए स्केयर माइनस थ्री ए माइनस टेन आई. और अगर ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आ जाए तो फिर ए जो है ये अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ये कहता है केले हैमिल्टन थ्योरम. ये देखें, हमने लिख लिया ए स्केयर माइनस थ्री ए माइनस टेन आई. अब ये ए है, इसका आपने स्केयर फाइंड करना है. तो ये स्केयर मिला, फिर इस ए को आपने क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसकी फाइंड करनी है थ्री से, ये की. और फिर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू बाई टू का, इसको आपने टेन से मल्टीप्लाई किया. इनको आपने दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, मसलन ये सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है. तो इसका क्या मतलब है कि हर कांस्टेंट मैट्रिक्स जो होता है वो अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम करने से पहले हम ये देखते हैं कि उस एल्गोरिदम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है. मसलन ये आपके पास एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स, जिसमें ए जो है वो वन वन माइनस वन थ्री है. अगर आप इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें तो आपको मिलेगी लैम्डा स्केयर माइनस फोर लैम्डा प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो. तो आपको जो आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी, जैसा कि ये क्वाड्रेटिक है तो आपको दो मिलेंगी, लेकिन वो दोनों जो मिल रही हैं वो दोनों सेम मिल रही हैं. तो अगर आप इस थ्योरम का यूज़ करें, जिस थ्योरम का हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि आपको एक आइगन पेयर फाइंड हो तो आप किसी भी वेक्टर इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन जो है वो e की पावर लैम्डा नॉट टी एक्स नॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो चूंकि ये टू बाई टू का मैट्रिक्स है तो इसके लिए आपको दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर सोल्यूशन चाहिए. तो जब आपके पास आइगन वैल्यू ही एक है, रिपीटेड है ना, तो एक ही हुई. दूसरी दफ़ा भी जब आप आइगन वैल्यू यही लेंगे तो आपको आइगन वेक्टर वही मिलेगा, तो आपको आइगन पेयर एक मिल रहा है. तो इस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप क्या कर सकेंगे, सॉल्यूशन नहीं लिख पाएंगे. तो फिर इस तरह की वेक्टर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन लिखना हो तो उसके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है जिसको हम कहते हैं पुट्ज़र एल्गोरिदम. उसका यूज़ करके हम फंडामेंटल मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स कहते हैं. वो देखते हैं कि वो कैसे फाइंड किया जाता है. ये है पुट्ज़र एल्गोरिदम. इसमें लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन, ये एन आपके पास आइगन वैल्यूज़ हैं और ज़रूरी नहीं कि वो डिस्टिंक्ट हों, यानी रिपीटेड भी हो सकती हैं. ये इस मैट्रिक्स ए के लिए आइगन वैल्यूज़ हैं, तो आप उसके लिए जो एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स बना सकते हैं उसको आप फिर इस तरह सम की फॉर्म में लिखेंगे, सिग्मा के ज़ीरो टू एन माइनस वन. एन जो है ये आपका नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जितनी आपके पास आइगन वैल्यूज़ होंगी उनसे एक नंबर कम आप ये सम चलाएंगे. मसलन यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ हैं आपके पास एन, तो इससे आप एक नंबर कम
एन माइनस वन तक लेके चलेंगे, उसके बाद पी के प्लस वन टी एम के। तो एम नाट जो जब आप के को ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो एम नाट मिलेगा। एम नाट ऑलवेज आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर है। मसलन अगर ए आपका टू बाई टू का है तो एम नाट भी टू बाई टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उसके अलावा अगर आप के को वन अप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको पी टू एम वन, के को टू अप्लाई करते हैं तो पी थ्री एम टू, और इसी तरह से आपने चलना कहाँ तक है, जितनी आपके पास आइगन वैल्यूज़ हैं। मसलन फाइव आइगन वैल्यू है तो आप फोर तक चलेंगे। तो एम नॉट तो आपने लिख लिया कि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन बाकी जो है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर जो है वो आप कैसे फाइंड करेंगे ये देखें। अगर यहाँ पे हो आपके पास एम थ्री तो यहाँ पे आप एम थ्री लिखेंगे और उससे आप कहाँ तक चलाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ वन टू थ्री, क्योंकि यहाँ पे आप के को थ्री लिख रहे हैं तो यहाँ भी आप के को थ्री लिखेंगे। आई वन टू थ्री ये प्रोडक्ट है, जैसे ये सम है उस तरह से ये प्रोडक्ट ए माइनस लैम्डा आई आई, और ये आई जो है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, और ये आई जो है ये आपने यहाँ से लेना है। अब अगर के थ्री है तो इसे आप क्या लिख पाएंगे, इसे आप लिखेंगे ए माइनस लैम्डा वन आई प्रोडक्ट ए माइनस लैम्डा टू आई प्रोडक्ट ए माइनस लैम्डा थ्री आई, ठीक है। तो वो तीन जो मैट्रिक्स होंगे उन तीनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको एम थ्री मिलेगा। इसी तरह से अगर एम टू की बात करें तो आई वन टू टू तो वो होगा ए माइनस लैम्डा वन आई प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस लैम्डा टू आई। लैम्डा वन और लैम्डा टू जो आपने रिप्रेजेंट किए हुए हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर जो लिखा हुआ है पी वन पी टू टी पी एन टी, ये पी ये होंगे यहाँ से जो आपको मिलेंगे पी वन टी पी टू टी एंड सो ऑन, वो डिपेंड करता है आपकी आइगन वैल्यूज़ की तादाद पे। ये सॉल्यूशन होगा आपकी इस इनिशियल वैल्यू वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में जो एग्जांपल हमने काउंट की है उसमें जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो दो होंगी। अगर वो आइगन वैल्यू दो हुई तो इसे हम लेके चलेंगे के इक्वल ज़ीरो टू वन, यानी आपको पी वन टी एम नाट और प्लस पी टू टी एम वन फाइंड करना पड़ेगा। एम नाट जो है वो तो आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू बाई टू, और एम वन जो होगा ये आई वन टू वन, यानी एक ही आपके पास ये ए माइनस लैम्डा वन आई आएगा, और उसमें जो लैम्डा की वैल्यूज आ रही हैं वो क्योंकि दो हमने ली हुई है दोनों टू टू होंगी, ठीक है। तो ये फिर पी टी जो है ये भी पी वन और पी टू तक रिड्यूस होगा, और ये किस सिस्टम का सलूशन होगा, पी प्राइम इक्वल टू लैम्डा वन आपकी फर्स्ट आइगन वैल्यू होगी लैम्डा वन ज़ीरो, और वन लैम्डा टू ये भी आपकी सेकंड आइगन वैल्यू होगी, चूँकि रिपीटेड है तो ये भी टू होगा ये भी टू होगा, ये टू बाई टू का मैट्रिक्स बनेगा ये वाला पी। और ये जो इनिशियल कंडीशन है कि जब टी आपका ज़ीरो उस वक्त पी वन आपका वन होगा और पी टू आपका ज़ीरो होगा, यहाँ तक होगी वो एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखें जी पुट्ज़र एल्गोरिथम, ये हमने एक कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स लिया, ये इसके लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो, और इसके लिए जो आपको दो आइगन वैल्यूज मिल रही हैं दोनों सेम आ रही हैं, और अगर आपके पास आइगन वैल्यू दोनों सेम आ रही हो तो फिर उस वेक्टर इक्वेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर इक्वेशन के लिए आप इस तरह से जैसे आपने पहले थ्योरम का यूज़ करके सॉल्यूशन लिखा था, आप इस तरह से सॉल्यूशन नहीं लिख सकते, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन के लिए अगर वो टू बाई टू का मैट्रिक्स है तो आपको दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। तो इस तरह से जब आइगन वैल्यू आपकी दोनों सेम ही रहेंगी तो ये भी आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, उस तरह से आप इसके लिए दो अलग इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है वो सॉल्यूशन नहीं लिख पाएंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आपको पुट्ज़र एल्गोरिथम जो है इसका यूज़ करना पड़ता है।
अब देखें पुट्जर एल्गोरिथम के लिए हमें एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ता है, जिसे हम ई रेज टू द पावर ए टी लिखते हैं, और इसे हम इस तरह से लिखते हैं सिग्मा के ज़ीरो टू, ये कोई नंबर होता है, और ये नंबर होता है जितनी आपके पास आइगन वैल्यूज की तादाद है उनसे एक नंबर कम। मसलन अगर आपके पास एन आइगन वैल्यूज हैं तो ये एन माइनस वन रहेगा, तो आप चूंकि यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज हैं तो ये दो माइनस एक एक रहेगा, पी के प्लस वन टी एम के। अब के को अगर आप जीरो लेते हैं तो ये बन जाएगा पी वन टी एम नॉट और पी टू टी एम वन, जबकि एम नॉट जो है ये ऑलवेज आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और उसका आर्डर यही होगा जो आपके कांस्टेंट मैट्रिक्स का वन जीरो जीरो वन, और एम वन जो है एम वन आपका होगा ए माइनस लेमडा वन आई या लेमडा जो भी है, तो ए माइनस लेमडा वन मीन ए माइनस टू आई, तो ए माइनस टू आई आपने फाइंड कर लेना है क्या आएगा वन माइनस टू माइनस वन, ये तो वन ही रहेगा, सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें चेंजिंग आएगी, तो थ्री माइनस टू ये भी प्लस वन, ये आपको मिल गया एम वन। इसके बाद हमने लिखना होता है पी प्राइम, ये भी हम लिखते हैं आइगन वैल्यूज की मदद से, पहली आइगन वैल्यू उसके बाद जीरो, फिर यहाँ पे वन होता है, फिर दूसरी आइगन वैल्यू, ठीक है, और फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये आपके पास एक वेक्टर इक्वेशन बन जाती है, और साथ इनिशियल कंडीशन। अब पी जो है ये तो है पी वन प्राइम और पी टू प्राइम, टू जीरो वन टू, इसको भी आप पी वन और पी टू लिख सकते हैं, और साथ वो कंडीशन। इससे आप देखें कि आपको दो इक्वेशन मिल रही हैं, पहली है पी वन प्राइम इक्वल टू टू पी वन, और दूसरी पी टू प्राइम इक्वल टू पी वन प्लस टू पी टू, ये इनको मल्टीप्लाई करना है। अब पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, अब देखें इसे हम लिख सकते हैं पी वन प्राइम बाय पी वन इक्वल टू टू, इंटीग्रेट किया तो लॉग ऑफ पी वन इक्वल टू टू टी प्लस लॉग ऑफ सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको आप पी वन और इसको लिख सकते हैं ई की पावर टू टी प्लस सी रह जाएगा। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर टी जीरो हो तो पी वन जीरो पे क्या होगा वन, पी वन जीरो पे ई की पावर टू एट जीरो प्लस सी, पी वन जीरो पे वन है, ई की पावर जीरो ये भी वन प्लस सी, तो सी आपको क्या मिल गया जीरो। जब सी जीरो होगा तो इसे आप लिख पाएंगे पी वन टी इक्वल टू ई की पावर टू टी। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन जो है इसको आप ये देखें, ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी टू प्राइम माइनस टू पी टू इक्वल टू पी वन टी, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस टू टी, ई की पावर माइनस टू डी टी, तो ये ई की पावर माइनस टू टी मिलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करना होता है, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ई की पावर माइनस टू टी पी टू प्राइम माइनस टू ई की पावर माइनस टू टी पी टू इक्वल टू ई की पावर माइनस टू टी पी वन टी, तो इस साइड पे आपके पास रह जाएगा डी बाय डी टी, उसके बाद पी टू ई की पावर माइनस टू टी, और पी वन टी आपको पहली इक्वेशन से मिल चुका हुआ है ई की पावर टू टी, ये दोनों कैंसिल हो गए, इनकी जगह वन रह जाएगा। अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो पी टू ई की पावर माइनस टू टी इक्वल टू, ये चूंकि वन रह गया तो इसकी जगह पे टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो पी टू टी
इसको लिखा जा सकता है, इसको उस साइड पे ले जाएं जो टी ई की पावर टू टी प्लस सी की पावर टू टी। अब इनिशियल कंडीशन थी आपके पास पी जीरो वन जीरो, यानी पी वन जो है वो जीरो पे वन है और पी टू जीरो पे जीरो है एट टी इक्वल टू जीरो। तो इसमें सब्सिट्यूट करें टी को जीरो तो ये सारा जीरो हो गया और सी ई की पावर जीरो ये सी रह गया। पी टू जीरो जो है वो क्या है जीरो है, तो सी आपको क्या मिला जीरो। जब सी जीरो है तो आपके पास पी टू टी रह गया सेकंड सॉल्यूशन जो है टी ई की पावर टू टी, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन आपको मिला पी वन टी ई की पावर टू टी और पी टू टी जो है ये आपको मिल गया टी ई की पावर टू टी। ये दो सॉल्यूशन हमने फाइंड किए। ये क्यों फाइंड किए, यहाँ पे जो हमने ये एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स लिखा था इसमें हमें ज़रूरत थी पी वन टी की और पी टू टी की। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं, एम नॉट हमें फाइंड है एम वन हमें फाइंड है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर उसको हम किसी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके गिवन वेक्टर इक्वेशन के लिए जो है वो सॉल्यूशन लिख लेंगे जनरल। अब देखें ज़रा इसमें हमने वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर ए टी इक्वल टू पी वन टी, पी वन टी है ए की पावर टू टी और साथ एम वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन प्लस पी टू टी ये हमें मिला टी ई की पावर टू टी और साथ एम वन माइनस वन वन माइनस वन वन। इसको अगर आप देखें तो ये मिलेगा इन दोनों में से e की पावर 2t कॉमन ले लिया यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस टी, ज़ीरो और यहाँ पे t, ये 0 और यहाँ पे माइनस टी और ये 1 और यहाँ पे t 1 प्लस टी। ये आपको एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स मिला इस मैट्रिक्स के लिए। अगर आपके पास वेक्टर इक्वेशन होती है x प्राइम इक्वल टू यही हम उसमें मैट्रिक्स इन्वॉल्व करते 1 1 माइनस वन थ्री और साथ x, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो फिर हम लिख सकते एक्स टी इक्वल टू ई की पावर ए टी साथ c, और c जो है इसका ऑर्डर, अगर इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है तो c का ऑर्डर जो है वो 2/1 होगा क्योंकि ये एक वेक्टर होगा। तो ये देख लेते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे इसे e की पावर 2t 1 माइनस टी टी माइनस टी 1 प्लस टी और इसको लिख लेते हैं c1 c2, मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा इनकी जो आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगी c1 e की पावर 2t इंटू 1 माइनस टी प्लस सी टू ई की पावर 2t टी और फिर c1 e की पावर 2t माइनस टी और c2 e की पावर 2t 1 प्लस टी। ये एक मैट्रिक्स मिल जाएगा और इसमें c1 और c2 को अलग अलग करेंगे। मसलन c1 को मैं ये लिख लेता हूँ c1, ये रह जाएगा मेरे पास 1 माइनस टी इसमें से मैं e की पावर 2t को कॉमन कर लेता हूँ प्लस c2 इसको मैं लिख लूँगा t और 1 प्लस टी इसमें से भी मैं e की पावर 2t को कॉमन कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वेक्टर इक्वेशन। ये वेक्टर इक्वेशन है और ये वाला जो है ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। पुट्ज़र एल्गोरिथम के बाद आपके पास ये एक नॉन होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू
वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी, एक्स टी नॉट इक्वल टू एक्स नॉट, और ए जो है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है जबकि बी जो है ये वेक्टर है। तो इस इनिशियल वैल्यू वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला जो कि ये है, एक्स टी इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए इंटू टी माइनस टी नॉट। ये टी नॉट जो है ये आपके इंटरवल का कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा जिस पे आप फाइंड कर रहे हैं, यानी ये जो इनिशियल कंडीशन होगी, प्लस इंटेग्रल टी नॉट टू टी ई रेज टू द पावर ए इंटू टी माइनस एस बी एस डी एस, यानी एक एग्जाम्पल हम आगे काउंट कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल में टी नॉट जो है वो देख लेंगे कि क्या है, उसमें वो ज़ीरो होगा, इसको ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे तो ई की पावर ए टी रह जाएगी, और ई की पावर ए टी हम पुट्ज़र एल्गोरिथम से पहले फाइंड कर चुके होंगे उस एग्जाम्पल के लिए। एक्स नॉट जो है ये इनिशियल कंडीशन होती है, ये हम लगाएंगे प्लस ये ज़ीरो टू टी ई की पावर ए टी माइनस एस, यानी ई की पावर ए टी हम पहले पुट्ज़र एल्गोरिथम से फाइंड कर चुके होंगे, उसमें हमने क्या करना है, टी को रिप्लेस कर देंगे हम टी माइनस एस से, तो हमें ई की पावर ए इंटू टी माइनस एस मिल जाएगा, फिर बी ये जो है जिसकी वजह से ये वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस बन रही है, ये बी जो है ये एक वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन, और फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है टी पे, इसको भी आप क्या करेंगे एस से रिप्लेस करेंगे और इस सारे को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो इसकी जो आपको वैल्यूज़ मिलेगी वो इस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन होगी। एग्जांपल में देखते हैं, अब इसके बाद वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला, एक्स टी इक्वल टू ई की पावर ए टी माइनस टी नॉट एक्स नॉट प्लस इंटेग्रल टी नॉट टू टी ई की पावर ए इंटू टी माइनस एस बी एस डी एस, ये वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला होता है अगर आपके पास जो वेक्टर इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस हो, यानी उसमें साथ आपके पास क्या हो, कोई वेक्टर फंक्शन हो बी टी जैसे है, और हो भी वो इनिशियल कंडीशन सिस्टम, ठीक है। बस एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स प्लस बी टी, एक्स एट टी नॉट इक्वल टू एक्स नॉट, ये सिस्टम हो, तो इस सिस्टम को आपने सॉल्व करना हो तो आपको वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखें ज़रा, ये हमने इसी तरह से एक नॉन होमोजीनियस वेक्टर इक्वेशन लिखी है, एक्स प्राइम इक्वल टू वन वन माइनस वन थ्री एक्स प्लस, ये आपके पास बी टी आर है वेक्टर फंक्शन, ई की पावर टू टी टू ई की पावर टू टी, और ये साथ इनिशियल कंडीशन है एक्स एट ये टी नॉट है यानी ज़ीरो, और उस वक्त एक्स वन आपका टू होगा और एक्स टू आपका वन होगा जब आपका टी ज़ीरो होगा। तो ये चूँकि हम पहले इसके लिए एक्सपोनेंशियल जो है वो मैट्रिक्स फाइंड कर चुके हैं इस एग्जांपल के लिए वन वन माइनस वन थ्री के लिए, तो इसी को हमने काउंट किया था कि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। ये ए हमने लिखा, और ए के लिए हम ई की पावर ए टी फाइंड कर चुके हैं बाई पुट्ज़र एल्गोरिथम, वो हमें ये मिला था। अब करना क्या है, इस वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला में टी नॉट को आपने क्या करना है, ज़ीरो से रिप्लेस कर देना है, और एक्स नॉट जो है इसको आपने इस इनिशियल कंडीशन से, यानी टी नॉट और एक्स नॉट जो है वो इनिशियल कंडीशन है आपके पास जो कि ये क्वेश्चन में गिवन है, ये टी नॉट है ये एक्स नॉट है। तो इस फार्मूला में देखें, अगर आप टी नॉट को ज़ीरो लिखते हैं तो ये रह जाएगा ई की पावर ए टी, ई की पावर ए टी, तो ई की पावर ए टी आपके पास पहले से मौजूद है, एक्स नॉट, एक्स नॉट आपके पास पहले से मौजूद है, प्लस इंटेग्रल ज़ीरो टू टी ई की पावर ए टी माइनस एस, ये दोनों वेरिएबल हैं ये ऐसे ही रहेंगे, बी एस जो है ये भी आपके पास, ये वैसे टी की फॉर्म में गिवन है लेकिन इसको आप क्या करेंगे टी को एस से कन्वर्ट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, ये हम लिख रहे हैं। अब देखें ज़रा, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, टी नॉट आपके पास ज़ीरो है, ज़ीरो सब्सटीट्यूट किया तो ई की पावर ए टी, ई की पावर ए टी आपके पास मौजूद है वो लिख लिया, साथ एक्स नॉट, एक्स नॉट मौजूद है वो लिख लिया, प्लस ज़ीरो टू टी, ज़ीरो टू टी। अब
ई की पावर ये क्या बन रहा है, ए टी माइनस एस, यानी ई की पावर ए टी आपके पास गिवन है, तो आपको क्या बनाना है, ई की पावर ए टी माइनस एस बनाना है, यानी टी को आप क्या करेंगे, टी माइनस एस से रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें आप अगर ई की पावर ए टी माइनस एस टी को टी माइनस एस से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा ई की पावर टू इंटू टी माइनस एस, वो ये लिख लिया। अब यहाँ भी इस मैट्रिक्स के अंदर जहाँ जहाँ टी है उसको आपने टी माइनस एस से रिप्लेस करना है ताकि हम ई की पावर ए इंटू टी माइनस एस बना सके। तो वन माइनस टी को क्या करना है आपने, टी माइनस एस से रिप्लेस करना है, तो वन माइनस टी प्लस एस बन जाएगा, ये टी माइनस एस, उसके बाद ये माइनस टी प्लस एस और वन प्लस टी माइनस एस। फिर बी एस आपके पास ये है बी टी, टी को आप एस से रिप्लेस कर देंगे तो ई की पावर टू एस और टू ई की पावर टू एस डी एस, ये आपके पास बन गया वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अब इसको सॉल्व करना है, ई की पावर टू टी इन दोनों का प्रोडक्ट टू माइनस टू टी प्लस टी, फिर माइनस टू टी प्लस वन प्लस टी प्लस, इसमें से क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू एस करना है तो आप टी को जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इसे बाहर निकाल लें, ई की पावर टू टी ये बाहर आ गई, जीरो टू टी ये रहेगी ई की पावर माइनस टू एस और वन माइनस टी प्लस एस, टी माइनस एस माइनस टी प्लस एस, वन प्लस टी माइनस एस, ई की पावर टू एस और टू ई की पावर टू एस डी एस। ये तो आपको मिला ई की पावर टू टी, ये रह जाएगा टू माइनस टी और ये वन माइनस टी, ठीक है, प्लस ई की पावर टू टी ज़ीरो टू टी। अब ये देखें ई की पावर माइनस टू एस, ये ई की पावर टू एस, यानी ये अब समझेंगे ये आपके पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप क्या कर रहे हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वन रह जाएगा और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टू रह जाएगा, क्योंकि इसमें ई की पावर माइनस टू एस है, इसमें ई की पावर टू एस और इसमें भी ई की पावर टू एस, तो इसको लिखा जाएगा फिर वन माइनस टी प्लस एस माइनस टी प्लस एस टी माइनस एस वन प्लस टी माइनस एस और ये रह जाएगा वन और टू। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखें ज़रा इसको हम लिख लेते हैं ई की पावर टू टी टू माइनस टी वन माइनस टी प्लस ई की पावर टू टी ज़ीरो टू टी और इनका प्रोडक्ट, पहले इसको वन से मल्टीप्लाई इसको टू से, फिर इसको वन से फिर इसको टू से और इनका सम, वन माइनस टी प्लस एस प्लस टू टी माइनस टू एस, फिर माइनस टी प्लस एस और प्लस टू टी माइनस टू एस डी एस। ये तो ऐसे ही रहेगा साथ, और इसको देखें इसमें वन टू टी माइनस टी प्लस टी और ये माइनस एस और यहां से टू और टी और यहां से माइनस एस रह जाएगा, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते हैं वन की इंटीग्रेशन एस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं, प्लस टी एस माइनस एस स्केयर बाई टू, फिर टू एस प्लस टी एस माइनस एस स्केयर बाई टू और अपर और लोअर लिमिट जीरो और टी। तो इसे हम लिख लेंगे ई की पावर टू टी टू माइनस टी वन माइनस टी प्लस ई की पावर टू टी और साथ अंदर अपर लिमिट अप्लाई करने से फ़ायदा होगा, लोअर लिमिट अप्लाई करने से जीरो जीरो आएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सब में आपका एस इन्वॉल्व है। तो अपर लिमिट अप्लाई करें तो ये टी प्लस टी स्केयर माइनस टी स्केयर बाई टू, तो ये टी स्केयर
माइनस टी स्केयर बाई टू, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी स्केयर बाई टू रह जाएगा। इसे मैं लिख लूँगा टी प्लस टी स्केयर बाई टू, और इसी तरह से ये 2s यानी 2t, और ये बनेगा टी स्केयर माइनस टी स्केयर बाई टू, और टी स्केयर माइनस टी स्केयर बाई टू यानी 1 माइनस 1 बाई टू, 1 बाई टू, तो ये भी टी स्केयर बाई टू रह जाएगा। तो ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन सिस्टम। इस वेक्टर इक्वेशन के लिए आपका जो सॉल्यूशन होगा बाय वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला से आप इस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।